43 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं लेकिन कोई बता नहीं रहा। आप लोग इतने लेट क्यों हो जाते हैं? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 15 मिनट्स कि बच्चे आ जाएं, कुछ तो हम क्लास शुरू करें। 20 बार एंड द फेमस वर्शिप्स, नमाज, रोजा, जकात एंड हज, वी डिस्कस्ड दीज वर्शिप्स विद देयर फिलोसफी एंड देयर इम्पैक्ट which is expected in Islam. Today we have to discuss the social system of Islam. Social system of Islam. Board nazar aa raha hai bachon ko? Ji, board clear hai aap logon ko? Social system of Islam. Islam ka muasharti nizam. मुआशरे कैसे बनते हैं? हाउ सोसाइटीज आर फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स विच वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन सोसाइटी, हाउ दे डिवेलप, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स इन सोसाइटी। वी हैव टू डिस्कस इस्लामिक सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स in the light of Quran and Sunnah. And this is your social system from which your culture and civilization develop. ये معاشرتی نظام ہی ہے جہاں سے آپ کا تہذیب و تمدن نظر آتا ہے، آپ کی ثقافت اور آپ کا کلچر نظر آتا ہے. So first of all you must know what is society. According to sociologists, the subject in which we study social system and societies, that subject is called sociology. Urdu mein ise imraniyat kehte hain. Is subject mein hum muashron ka mutala karte hain, स्टडी करते हैं कि सोसाइटीज दुनिया में मुख्तलिफ कैसे बनी। और सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इट इज द सम और एग्रीगेट ऑफ पीपल, मैसेज लिविंग इन एन एनवायरमेंट टुगेदर विद इन एन ऑर्डर्ड and organized community. जो लोग मौजूद थे उनको मैं नहीं कह रहा कि 15 मिनट से आप वेट कर रहे हैं, तो आपको तो होना चाहिए क्लास में ना। यू शुड बी इन क्लास, ऑफ कोर्स यू हैव नॉट ओब्लाइज्ड द टीचर। मैं ये कह रहा हूं कि 22 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ मीटिंग में जब हम क्लास का टाइम स्टार्ट हुआ है, उनके लिए 15 मिनट्स तक हम इंतजार कर रहे हैं कि क्लास में 25, 30, 40 स्टूडेंट्स हो जाएं तो हम शुरू करें। इट शुडंट हैपन। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो क्लास में लेट आते हैं और फिर बीच में उनको पता नहीं होता कि आज क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है। ये उन बच्चों के साथ ज्यादती है जो टाइम पे पहुंचे होते हैं। सो ह्यूमन सोसाइटीज, मुआशरे कैसे बनते हैं, होता क्या है? मुआशरा किसे कहते हैं? अफराद का एक ऐसा मजमूआ जो एक मुनज्जम अंदाज में किसी एक माहौल के अंदर रह रहा हो। अफराद के इस मजमूए को मुआशरा कहा जाता है। एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे हैव अ कॉमन टेरिटरी, दे हैव इंटरेक्शन अमंग देम एंड देयर बेनिफिट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। इनके मफादात, इनकी जरूरतें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं।
जो लोग माशरे में रहते हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, एक हार्मनी और एक इंटरेक्शन के साथ रह रहे होते हैं, एंड इट इज ह्यूमन नेचर एंड इंस्टिंक्ट दैट नो वन कैन लीड अ प्लेजेंट एंड प्रॉस्पेरस लाइफ इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। मुआशरे से कटकर कोई भी खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकता, बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ पीपल आर कॉमन एंड इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अ पर्सन हु इज रिसोर्सफुल एंड ही थिंक्स आई डोंट नीड टू लिव इन सोसाइटी बिकॉज आई हैव सो मच रिसोर्सेज, Why should I interact and live with other people? But the fact is, he is dependent upon other people of society. जितने ज्यादा resources हों एक आदमी के पास, वसायल जितने ज्यादा क्यों ना हों, लेकिन वो मुआशरे में कटकर जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसको दूसरों का डिपेंडेंट होना पड़ता है। उसको आटे की जरूरत है रोटी के लिए, गंदम की जरूरत है, तो वो जाहिर है गंदम उगाने खुद नहीं जाएगा। उसको कपड़े की जरूरत है लिबास के लिए, तो वो कपास पैदा करके खुद यार्न प्रोड्यूस नहीं करेगा, अपने लिए कपड़ा खुद तैयार नहीं करेगा, बल्कि वो डिपेंडेंट है। सो सम पीपल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी that they will produce wheat and cotton for we people and they opt the profession of agriculture, they do cultivation। वो कहते हैं हम आपके लिए गंदम पैदा करेंगे, हम आपके लिए कपास उगाएंगे, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे लोगों को फार्मर्स कहा जाता है, और जो काम वो करते हैं इससे एक प्रोफेशन वजूद में आता है जिसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। एंड व्हेन दे डू एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन दे नीड सर्टेन एग्रीकल्चरल टूल्स, बट दीज फार्मर्स दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर दीज टूल्स ऑन देयर ओन। ये एग्रीकल्चरल टूल्स खुद नहीं बना सकता किसान, अगेन ही इज डिपेंडेंट upon an other sect of society and they people are called engineers। they say we take the responsibility for you people to provide you the required agricultural tools for farming। is tarah se ek aur profession wajood mein aa gaya। this is how societies develop and the people have common benefits linked with each other। किसान गंदम पैदा करता है, वो गंदम मार्केट में आती है, वहां से वो पिसने के लिए चक्की पे जाती है जहां से आपको आटा मिलता है और आप रोटी खाते हैं। किसान कपास उगाता है, उसका यार्न बनता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा तैयार होता है फैब्रिक की शक्ल में, मार्केट से मिलता है और आप अपना लिबास तैयार करते हैं। जब आप वो फैब्रिक और कपड़ा खरीद कर लाते हैं, अगेन यू आर डिपेंडेंट अपॉन टेलर्स टू मेक इट प्रॉपर ड्रेस। वो कपड़ा आप खरीद भी लें अगर मार्केट से, तो पहनने के काबिल वो तब होगा जब आप मुआशरे के एक और प्रोफेशनल के पास जाएंगे जिसको आप टेलर कहते हैं। ही विल डू द स्टिचिंग एंड इट विल बी योर ड्रेस। जाहिर है इसके बगैर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। दिस इज हाउ द नीड्स ऑफ पीपल आर कॉमन एंड इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड नो वन कैन हैव एन एस्केप फ्रॉम सोसाइटी। नो वन कैन लीड अ प्रॉस्पेरस एंड प्लेजेंट लाइफ इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन सोसाइटी ever developed in the universe, सबसे पहला इंसानी मुआशरा जो दुनिया में वजूद में आया,
दैट डेवलप्ड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ एडम एंड ईव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द सिस्टम सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम एंड द मेन सोर्स ऑफ आवर रेफरेंस इज द होली बुक. So as per teachings of Holy Quran, the first and foremost human society developed with the existence of Adam and Eve. सबसे पहला इंसानी मुआशरा जो वजूद में आया वो आदम और हव्वा के वजूद से वजूद में आया. And Allah has told in Surah Nisa verse number 1. سورہ نساء ورس نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ او یو آل دی پیپل ہیو پائٹی آف یور لارڈ ہو کریٹڈ یو فرام اے سنگل سول. اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اینڈ دیٹ سنگل سول واز ایڈم. وخلق منها زوجها and he created his زوج. کپل بنایا اللہ نے. کہاں سے بنایا اس کا جوڑا؟ اسی میں سے. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء and then he spread so many men and women in the universe. پھر اس نے کائنات کے اندر دنیا کے اندر زمین پر بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. This is the first human society. And Allah has explained it in Surah Hujurat. Surah Hujurat, verse number 13. Surah Hujurat, verse number 13. Ya ayyuha an-nas. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Oh, you all the people, we created you from a male and female. Humne tumhe ek mard aur ek aurat se paida kiya. Waja'alna kum shu'uban wa qabail. And we created your tribes and castes. हमने तुम्हारे कबीले बनाए, तुम्हारी बिरादरियां और कौमें बनाईं. क्यों? लितआरफू, सो दैट यू मे हैव एन आइडेंटिटी एंड इंट्रोडक्शन, ताकि तुम्हारी पहचान हो. इन अकरमकुम इंद अल्लाह अतकाकुम. अल्लाह होल्ड्स इन एस्टीम ओनली हिम हु इज पायस अमंग यू. अल्लाह की नजर में वो मुअज्जज़ है तुम में से जो तक्वा वाला है. नो वन एल्स. देयर इज नथिंग टू बी द रीजन ऑफ सुपीरियरिटी और इनफीरियोरिटी. प्रेजेंस ऑफ तक्वा इज द बेस एंड रीजन फॉर बीइंग सुपीरियर इन सोसाइटी. एंड एब्सेंस ऑफ तक्वा, दिस इज द रीजन फॉर बीइंग इनफीरियर. A child who is born in a palace with golden spoon in his mouth, he is not superior. And a child who is born in a cottage in a poor family, he is not inferior. Because they are not born with their own choice. This is just a chance. Ek bachcha mahal mein paida hua aur ek jhopri mein paida hua. इसका मतलब ये नहीं कि ये महल वाला सुपीरियर है और ये झोंपड़ी वाला इंफीरियर है. दिस इज नॉट द रीजन. अकॉर्डिंग टू इस्लामिक सोशल सिस्टम, द रीजन फॉर सुपीरियरिटी इज प्रेजेंस ऑफ तक्वा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी फॉर्मेशन इज इंडिविजुअल. एंड व्हेन वी से इंडिविजुअल, both genders are included in it, male and female. They have equal part, they have equal role in society formation. And as far as the basic human rights are concerned, both genders are equal in basic human rights.
सो बिफोर द सोसाइटी फॉर्मेशन द स्टेप इज कॉल्ड फैमिली फॉर्मेशन. फैमिली फॉर्मेशन, फैमिली फॉर्मेशन का मतलब है खानदान की तश्कील. खानदान कैसे बनता है? द प्रिंसिपल ऑफ फैमिली फॉर्मेशन इन इस्लाम इज निकाह. इस्लाम के अंदर फैमिली फॉर्मेशन का जो कानून है उसको कहते हैं निकाह का कानून. एंड अल्लाह सुबहानहू व तआला हैज एक्सप्लेन्ड दिस प्रिंसिपल इन द होली कुरान इन सूरह निसा. सूरह निसा इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द फैमिली फॉर्मेशन एंड सोसाइटी फॉर्मेशन इज कंसर्न. इन सूरह निसा वर्स नंबर 3 अल्लाह सुबहानहू व तआला हैज टोल्ड फनकहु मा ताबा लकुम मिनन निसा. सूरह निसा वर्स नंबर 3 यू हैव टू गो फॉर निकाह विद द विमेन वेयर यू लाइक. निकाह करो खवातीन से जहां तुम चाहो. अब जहां तुम चाहो के मीनिंग समझ लें. अल्लाह सुबहानहू व तआला हैज एक्सप्लेन्ड द सेम इन सूरह निसा वर्स नंबर 22 एंड 23. इन सूरह निसा वर्स नंबर 22 अल्लाह सुबहानहू व तआला टोल्ड वला तनकहु मा नकह आबाउकुम मिनन निसा. You cannot make nikah with the women where your fathers made nikah at any time. Un khawateen se nikah mat karo jin se kabhi tumhare baap nikah kar chuke hoon. Yani wo rishte mein tumhari mothers hain, chahe step mothers kyun na hoon. Us zamane mein chunke aisa hota tha, isliye Allah Taala ne isse mana kiya. In the time of ignorance, it was common practice. In Surah Nisa, verse number 22. And then in Surah Nisa, verse number 23. Allah subhanahu wa ta'ala has explained the sanctity of relations. Surah Nisa, verse number 23. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Allah has told the relation where you cannot make nikah. Allah has made it haram for you people to make nikah with your mothers, real mothers, your daughters, your sisters. Ye Allah ne rishte bayan kiye hain yahan. Rishton ka taqaddus bayan kiya hai ki inse nikah mat karo, ye haram hai tumhare liye. To aap kahenge ye to hai hi haram. कुरान को ये बताने की जरूरत क्या है भाई? ये बताया है तो पता चला कि ये हराम है. इन ओल्ड सिविलाइजेशंस लाइक रोमन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, वहां क्या होता था? इजिप्ट में फादर की डेथ के बाद बेटा रियल मदर से निकाह कर लेता था. दिस वाज अ सिविलाइजेशन, दिस वाज कॉमन प्रैक्टिस. The Quran has negated and prohibited and told the sanctity of relations ke yahan yahan nikah nahi kar sakte. Iske ilawa ab dekhiye wo ayat jo humne pehle padhi thi, fankihu ma taaba lakum minan nisa, jahan chaho tum nikah karo, iske ilawa in rishton mein nikah nahi hoga. Aur phir Allah taala ne isme ye bhi bataya, masna wa sulasa wa ruba, surah nisa verse number 3 mein चाहो तो दो तीन और चार भी कर सकते हो. इन खिफ तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा. इफ यू हैव अ फियर दैट यू कैन नॉट मेक फुल जस्टिस अमंग योर वाइव, देन यू हैव टू बी कंफाइंड टू वन. अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक, इसका मतलब यह हुआ हुक्म तो एक का है, ऑप्शंस हैं दो तीन और चार की अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. सो फैमिली फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैमिली फॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू दैट इज निकाह.
खानदान की तश्कील के लिए सिर्फ इस्लाम का एक ही कानून है, दैट इज निकाह। देर इज नो अदर वे ऑफ फैमिली फॉर्मेशन इन इस्लाम। ये इतना स्ट्रेस देकर मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इन वेस्टर्न सोसाइटी, इन अमेरिकन सोसाइटी, दे पीपल से वी आर लिविंग लाइक वाइफ एंड हस्बैंड, हालांकि वो वाइफ और हस्बैंड नहीं है। लीगली दे आर नॉट वाइफ एंड हस्बैंड, दे हैव किड्स, जबकि उन्होंने निकाह नहीं किया। हालांकि क्रिश्चियनिटी में भी निकाह है, जुदाइज्म के अंदर भी निकाह है, यहूदियत और ईसाइत दोनों सेमिटिक रिलीजन्स हैं, यू नो, इन ऑल द सेमिटिक रिलीजन्स देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह, बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ निकाह, एंड दे से वी आर लिविंग लाइक वाइफ एंड हस्बैंड। सो इन इस्लाम there is not such concept that we are living like wife and husband. So the only way of family formation is nikah in Islam, no other way. There is no other term. So, jab ye society paida hoti hai, banti hai, nikah ke zariye se family formation hui, Islam iske liye ek bahut usool sikhata hai aapko, you have to pay dower to your wife at the time of marriage. Pay haq mehr to your wives. This is mandatory. Surah Nisa, verse number 4. Surah Nisa, verse number 4. Allah Ta'ala ne bataya hai ke wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Pay haq mehr to your wives. It is not optional. It is mandatory and obligatory. One has to pay. Agar kisi wajah se wo delay ho gaya, maaf nahi hoga, you have to pay it to your wife. Basically, the first gift. And there is no fixed amount of haq mehr in Islam. It should be according to the financial status of husband. If someone earns 300,000 per month and he pays 100,000 as dower, it is justified. And if a husband earns just 30,000 per month and he pays 5,000 as haq mehr, it is also justified. There is no compulsion ke aap itna hi haq mehr dein. There is no enforcement, there is no fixation. It should be honorable. Ek khubsurat amount ki shakal mein diya jaye, because this is the first gift. There is no shari haq mehr. Some people say 32 rupay shari haq mehr. It is insulting for women. 32 rupay bhi haq mehr hota hai. There is no concept. Is tarah ki koi Islam ke andar taleem nahi hai jisme 32 rupay biwi ko haq mehr mein diya jaye. Ye to bheek dene wali baat hui. और दूसरी तरफ ये होता है, सम पीपल से 50 लाख लिख देनी, एंड दे थिंक इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू राइट टू फिल द कॉलम ऑफ निकाह फॉर्म। नो, इट इज नॉट फॉर्मेलिटी, इट इज योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। सो निकाह के वक्त हक मेहर का अदा करना, और ये भी आपको पता हो, हक मेहर को मैंने बेटा बताया है आपको, डावर इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन अगर आप हक मेहर लिखेंगे तो दैट इज वेरी नाइस टर्म इन इस्लाम। जी तो कुछ यार खुद भी पढ़ लिया करें, इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। हैं, इंग्लिश क्यों नहीं आती आपको जब आप इंग्लिश में कर रहे हैं? तो मैं इस बात में बड़ा हैरान होता हूं उन बच्चों पे जो इंग्लिश में इस्लामिया तो आप करते हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती।
आई एम सॉरी टू से कि इसमें से 70% बच्चों की इंग्लिश गलत होती है जो इंग्लिश में पेपर करते हैं। इतनी जाहिलाना गलतियां होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए लिखते हुए। इट्स नॉट स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में तो बात और है ना, चले बात आपने कन्वे कर दी, समझ में आ गया, लेकिन लिखते हुए जब आप पेपर कर रहे हैं तो उसमें तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आपने प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया है सेंटेंस, तो मीनिंग तो बदल जाते हैं। आपको क्लाजेस का पता नहीं होता कि ये सबॉर्डिनेट क्लाज है तो इसको कैसे लिखेंगे। ये बहुत अहम बात है जो मैं आपको कह रहा हूं। स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में पेपर सॉल्व करते हैं, इससे बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे कि इसको तो वो लैंग्वेज भी नहीं आती जिसमें ये कर रहा है, पेपर कर रहा है। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए, ये आपको फायदा देती है। आप इंग्लिश के पेपर में भी, ऑफकोर्स एसे में, प्रेसी में, तो आपको अच्छी इंग्लिश ही फायदा दे रही होती है ना। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, आप बच्चों से जो इंग्लिश में कर रहे हैं, तो आप खूबसूरत तरीके से इंग्लिश अपनी लिखा करें, और उसमें ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो मैं अक्सर कॉमनली देखता हूं। सो अरेबिक टर्म्स आप अरेबिक में लिखते जाएं, इंग्लिश में भी, तो इट्स ओके, इट विल गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन टू यूर एग्जामिनर। जी, इस्लाम के अंदर सबसे पहले फैमिली फॉर्मेशन हुई तो इस्लाम राइट्स एंड ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट देगा बीवी और खावन के लिए। और हमारे यहां तो सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्टेड राइट्स होते हैं वो चूंकि खवातीन के हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से। और उस जमाने में भी ऐसे ही था। सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम He highlighted the rights of women especially. And the Prophet said, The best among you are those who are best to their wives. خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ تم میں سے بہترین تو وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. And the Prophet said, I am the best one to treat the wives in better manner. सबसे ज्यादा अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करने वाला तुम में से, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं खुद हूं। और कुरान मजीद ने यही बात कही है कि वाशिरु हुन्ना बिल मारूफ, सूरह निसा वर्स नंबर 19, सूरह निसा वर्स नंबर 19, ट्रीट यूर वाइव्स ब्यूटिफुली, बीवियों से अच्छा सलूक करो। ये कोई आर की बात नहीं है कि लोग कहेंगे जी ये तो बीवी के पीछे लगा हुआ है। भाई ये बीवी के पीछे लगने वाली कौन सी बात है इसमें? उसके राइट्स हैं इस्लाम में, बहुत जरूरी है। अगर खामन को अल्लाह ने कवाम बनाया है, कवाम मीन्स हेड ऑफ फैमिली, अल्लाह ने खामन को कहा है। कुरान मजीद की सूरह निसा वर्स नंबर 34, सूरह निसा वर्स नंबर 34, अर्रिजाल कवामून अलन निसा, मेन आर द ओवरसीयर्स केयर टेकर्स ऑफ विमेन। अल्लाह ने इनको ओवरसीयर केयर टेकर बनाया है। अब इस आयत में 34 है, सूरह निसा की वर्स नंबर 34। कुछ लोगों को वेस्ट को खासतौर पर इससे मुगालता होता है, बिकॉज इन इंग्लिश इसका एक तर्जमा लिखा हुआ है रूलर्स, मेन आर रूलर्स अपॉन विमेन। अब ये रूलर्स का मतलब भी समझ ले यहां क्या किस मीनिंग में लिखा हुआ है। रूलर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वो लोगों की फलाह के जिम्मेदार होते हैं चूंकि, इसलिए इसका तर्जमा एक ये किया गया है। इसका माना ये नहीं कि खवातीन महकूम हैं, आप उनके साथ जो सलूक दिल चाहे करें, नहीं। इसका माना ये है दे आर प्रिविलेज्ड,
उनको तो अल्लाह ने हकूक दिए हैं और उनको प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। दे आर प्रोटेक्टेड, उनको अल्लाह ने तहफ्फुज़ दिया है। सो अल्लाह के रसूल ने ख्वातीन के हकूक के हवाले से बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और आखिरी अल्फाज भी अल्लाह के रसूल के दुनिया से जाते हुए यही थे, वमा मलकत अईमानुकुम, दोज़ हु आर अंडर यूअर कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ निकाह, अल्लाह ने निकाह की वजह से उन पर तुम्हें एक अख्तियार दे दिया कि वो तुम्हारी बीवियां बन गईं, तो इसका माना ये नहीं कि वो तुम्हारी गुलाम हैं और तुम्हारा जैसे दिल चाहे उनसे सलूक करो। देखो, अल्लाह से डरना उनके हकूक के बारे में ये अल्लाह के रसूल ने हाईलाइट किया है। सो इन इस्लामिक सोशल सिस्टम बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी के जो राइट्स हैं सोसाइटी में, दरअसल वो दूसरे की ड्यूटीज हैं। व्हेन यू आर डूइंग योर ड्यूटी, अदर पीपल आर गेटिंग देयर राइट्स। व्हेन द पीपल हैव टू प्रोटेस्ट फॉर देयर राइट्स इन सोसाइटी, इट शोज यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटीज। तो इस्लाम दोनों को हाईलाइट कर रहा है, लिहाजा मियां बीवी के हकूक के फौरन बाद जो इस्लाम आपको बताएगा वो है राइट्स ऑफ योर किड्स, आपकी औलाद के हकूक इस्लाम के सोशल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें पहला हक जो न्यूली बॉर्न बेबी है, अल्लाह उसका जो पहला हक बताता है, द प्रॉफिट सेड यू हैव टू इंट्रोड्यूस हिम और हर द नेम ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला, उसको अल्लाह का तारुफ कराओ। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ आजान इन हिज ईयर, उसके कान में आजान कहो। दिस इज द फर्स्ट राइट। एंड द सेकेंड राइट ऑफ न्यूली बॉर्न किड्स, दैट इज टू गिव गुड नेम टू योर चाइल्ड, उसको अच्छा नाम देना। ऑन सेवंथ डे इस्लाम एडवाइजेज यू स्ट्रिक्टली टू फाइनलाइज अ गुड नेम फॉर योर किड, एंड इस्लाम हैज इट्स ओन नॉमेनक्लेचर, यू नो नॉमेनक्लेचर, नाम रखने के इल्म को कहते हैं। आपने, अगर आपको याद हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, अल्केन्स अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, तीन ग्रुप्स हम पढ़ा करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते थे और उनको नाम देते थे, उनको इस टॉपिक का नाम होता था नॉमेनक्लेचर। तो इस्लाम का अपना नॉमेनक्लेचर है, अच्छा नाम बच्चे को दिया जाए जिसके अच्छे मीनिंग्स हों, द नेम शुड बी मीनिंगफुल और इट शुड बी एसोसिएटेड विद एनी फेमस पायस पर्सनालिटी, या ऐसा नाम जो किसी मशहूर नेक शख्सियत के साथ एफिलिएटेड हो, ऐसा नाम दिया जाए बच्चे को। अल्लाह के रसूल ने बच्चों के नाम चेंज किए हैं। इवन जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का पहला बेटा पैदा हुआ तो हजरत अली ने नाम रखा हर्ब। हर्ब, हर्ब के मानी होते हैं वॉरियर, जंगजू, बहादुर, दलेर। चूंकि हजरत अली खुद बड़े बहादुर, बहुत दलेर और बड़े मुजाहिद थे, तो उन्होंने अपने मिजाज के अकॉर्डिंगली ये नाम रखा। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज द नेम एंड ही सेड ही इज नॉट हर्ब, ही इज हसन। हसन मीन्स ब्यूटीफुल, जो कैरेक्टर के लिहाज से भी खूबसूरत हो और फिजिकली भी खूबसूरत हो, उसको हसन कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम चेंज कर दिया क्योंकि इन नामों का कुछ इंपैक्ट इंसान की शख्सियत पर आता है। जाहिर, एक बच्चे को रोजाना एक नाम से आप बुलाएंगे, दिन में कई मरतबा, फुलां इधर आओ, फुलां इधर आओ। अब अगर बच्चे का नाम आप ऐसा रख दें जिसके मानी घोड़ा बनते हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो घोड़ा घोड़ा कहकर रोजाना आप उसे पुकारें और वो हिन हिनाने लग जाए, फिर
या दो लतियां मारने लग जाए, तो अच्छा भला अशरफुल मखलूकात इंसान है तो इसको खूबसूरत नाम दो। अल्लाह के रसूल ने यह बताया, कहने का मतलब यह है डिफरेंट नेम का जो कल्चर हमारी सोसाइटी में आ गया ना, यू नो नेम शुड बी डिफरेंट, दूसरों से मुख्तलिफ। मीनिंग्स हैं या नहीं वी डोंट नो। मैं ऐसे ऐसे नाम मेरे सामने आते हैं, जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में रोल कॉल देखता हूं बच्चों की, 150 स्टूडेंट होता है एक क्लास में, 150 स्टूडेंट्स, 150 नेम्स मेरी नजर से गुजरते हैं एक क्लास के बच्चों के। ऐसे ऐसे अजीब नाम होते हैं जिसके कोई मीनिंग नहीं होता, बच्चों को नहीं पता नाम रख दिया गया। हर वो नाम यूनिक है जिसके अच्छे मीनिंग्स हो बस। अब आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं, कहते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या दूं मैं आपको, बुरी चीज की एग्जाम्पल देने का फायदा है? अच्छी चीज को पॉइंट आउट करना चाहिए ना कि बुरी चीज को, वो हाईलाइट हो जाती है। मैंने ऐसे नाम देखे हैं जिसके ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते, और मैंने बताया अल्लाह के रसूल ने वो मीनिंग्स बदल दिए, वो नाम बदले हैं बच्चों के। तो हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, ठीक है, ये बड़ी अहम बात है, हमें ये पता होना चाहिए। आप यंगस्टर्स को खासतौर पे इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ मैरिज नाउ। और आपकी माएं आजकल रिश्ते देख रही होंगी, माशाल्लाह के बेटा मेरा CSP ऑफिसर बनने जा रहा है, तो अब इनके लिए रिश्ते तलाश कर रही होंगी वो, तो आपको तो इन चीजों की अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए इंशाल्लाह। यू हैव प्लेयर इन योर लाइफ, आई विश यू ऑल। लेकिन ये चीजें हमें पता तो होनी चाहिए। तो इस्लाम में पहला पहली चीज देखिए फैमिली फॉर्मेशन में निकाह का कानून। और याद रखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मसाजिद के अंदर करो, होल्ड योर निकाह इन मस्जिद, दिस इज एडवाइस ऑफ योर प्रॉफिट। बट अनफॉर्चुनेटली we have forgiven these bits of advice of our prophet sallallahu alaihi wasallam. Christianity ke andar nikah church mein hota hai, aaj bhi wo karte hain, they follow their religious customs, hum nahi karte. Nikah masjid mein hoga to inshaallah isme barkat hogi, paakiza mahol mein aapka nikah hoga, farishton ke mahol mein. Hotels, they are bazaars. And bazaars are the worst places on earth. And mosques are the best places on earth of Allah subhanahu wa ta'ala, as per teachings of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. No, dono ki beta. Dono ka zikr karenge. Maine dono ka zikr kiya hai na. Ki Islam ne husband ko to bahut bada status de diya, qawwam kehkar. सूरह निसा की वर्स नंबर 34 मैंने कोट की है, और बीवियों के हवाले से अल्लाह के रसूल की ये फेमस हदीस मैंने आपको कोट की है। दोनों का जिक्र करेंगे आप स्पाउस, ये तो बाइलैटरल है, राइट्स एंड ड्यूटीज, यूनिलैटरल तो नहीं है, दोनों का जिक्र करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जो सप्रेस्ड और नेग्लेक्टेड क्लास है उसको हाईलाइट जरूर कीजिए, ताकि इस्लाम की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लोगों के सामने आए कि इस्लाम तो एक रिलीजन ऑफ नेचर है ना, ये किसी को निग्लेक्ट कैसे कर सकता है। सो इस्लाम के अंदर अच्छा नाम रखना, ऑन सेवंथ डे इट शुड बी फाइनलाइज्ड, और सेवंथ डे ही इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ अकीका, ये लफ्ज आप जानते हैं, इसको अक्सर लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, हकीका बोल रहे होते हैं, ये लफ्ज हकीका नहीं है, अकीका है, ऐन के साथ है ये लफ्ज, हा के साथ नहीं है। ये भी सेवंथ डे होता है, इस्लाम का तसव्वुर यही है। इट इज नॉट मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी, अगर कोई नहीं करता देयर इज नो सिन एंड गिल्ट, बट इट इज बेटर कि इफ समवन अफोर्ड्स तो उसके लिए बच्चे का अकीका किया जाए। खुशी का मौका है, चूंकि बच्चे की पैदाइश चाहे बेटा हो या बेटी, ये दोनों खुशी के मौके हैं। ये नहीं है कि बेटी हो तो मुंह लटक जाए, उसी तरह खुशी होनी चाहिए बेटी की पैदाइश पर जैसे बेटे की पैदाइश पर होती है। बहुत अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहां बेटे की पैदाइश पर तो मिठाई बांटी जाती है और बेटी को बताया भी नहीं जाता, कितनी जहालत की बात है।
स्टिल वी आर लिविंग इन द टाइम पीरियड ऑफ केव्स, ये तो गारों के जमाने में हम रह रहे हैं। मैंने अपनी बेटी की पैदाइश पे जब मिठाई भेजी अपने रिलेटिव्स के यहां, तो बड़े हैरान हुए कि जी बेटी की पैदाइश पे लड्डू। तो मैंने कहा जब बेटे की पैदाइश पे भेजे थे उस वक्त तो खुशी खुशी खा लिए थे, कोई सवाल नहीं किया था। व्हाई यू आर इंटरोगेटिंग, व्हाई देयर इज क्वेश्चन मार्क? बेटी की पैदाइश क्या खुशी का मौका नहीं है? तो ये बहुत अहम है इस अवेयरनेस को पैदा करना। जी नहीं, ये तो बेटा ऐसे एक बात है जो आपने कही है, ऐसा तो नहीं है कि ही कम्स टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, ऐसा तो कहीं नहीं है हदीस में। लेकिन इतना जरूर है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड फोर डॉटर्स एंड ही लव्ड हिज डॉटर्स, ही गेव रिस्पेक्ट टू हिज डॉटर्स इवन। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं दी अपनी बेटियों को, अल्लाह के रसूल ने रिस्पेक्ट भी दी है। इट हाईलाइट्स द स्टेटस ऑफ डॉटर्स इन इस्लामिक सोसाइटी। The Prophet used to stand up for the welcome of his youngest daughter Sayyida Fatima. जब वो आती तो आप सल्लम खड़े हो जाया करते। नबी के खड़े होने का मतलब नबुवत का खड़ा होना है। Just imagine. So this is lesson for we people. So my dear students, one should be conscious. The Prophet had four daughters, Sayyida Zainab, Sayyida Ruqayya, Sayyida Umm Kulsoom, and Sayyida Fatima, radiyallahu ta'ala alayhunna. Spirit of one man was weeping very loudly, few people go near him, and then came to know uski beti paida hui. Dekhe, hum hospital mein, ye Hasan bata rahe hain, कि मैंने देखा कि एक साहब रो रहे थे, बिटरली ही वॉज क्राइंग, पता चला पूछने पर कि उसकी बेटी पैदा हुई है। जस्ट इमेजिन, दिस इज इग्नोरेंस, जहालत। हो सकता है वैसे एमफिल किया हो इसने, बड़ा पढ़ा लिखा हो, एमबीए किया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन जाहिल है बेचारा। जो आदमी इस्लाम की तालीमात नहीं रखता तो ये जाहिल है ना, अल्लाह की नजर में तो ये जाहिल हुआ ना कि बेटी की पैदाइश पे रो रहा है। Is it the matter of crying? Happiness. चार बेटियां, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके यहां तीन बेटियां चार बेटियां पैदा हुई उसने उनकी अच्छी तरबियत की। He gave a better brought up to his daughters, हत्ता के उनका निकाह किया, रुखसी की। तो कयामत के दिन he will stand by me like these two fingers. वो मेरे इतने करीब होगा जैसे ये दो उंगलियां। फिर किसी ने कहा दो बेटियां हूं, आपने फरमाया वो भी ऐसे होगा। किसी ने कहा एक बेटी हो, फरमाया वो भी मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा। जस्ट इमेजिन। अच्छा, ये बात बेटे की पैदाइश पर तो नहीं कही अल्लाह के रसूल ने, ये भी देखिए। अब आई एम नॉट गोइंग टू डिग्रेड द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सन्स, ऑफकोर्स दे हैव, इट इज रिकग्नाइज्ड फिनोमिना। लेकिन जिस चीज को नेग्लेक्ट किया जा रहा हो, हाईलाइट फिर उसको किया जाता है। जो ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है वो तो है ही ना। सो इसलिए खवातीन की इस स्टेटस को ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत होती है। बास स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर आपके लेक्चर में ज्यादा खवातीन की बात क्यों थी, सोशल सिस्टम को जब आप डिस्क्राइब करते हैं। भाई वो इसलिए थी कि नेग्लेक्टेड सेक्ट ऑफ सोसाइटी ये था ना, मर्द तो नहीं थे, इसलिए इस्लाम ने इनको ज्यादा हाईलाइट किया। एंड यू जस्ट इमेजिन व्हेन कुरान हैज डिस्कस्ड द इनहेरिटेंस ऑफ सन्स एंड डॉटर्स, तो अल्लाह ने हाईलाइट बेटी की इनहेरिटेंस को किया है। ये नहीं कहा कि जो बेटे का हिस्सा है उसका आधा बेटी को दो, यूं नहीं कहा। कहा जितना दो बेटियों को देते हो
उतना एक बेटे को भी दो। इसका मतलब है बेटी का राइट इस्लाम ने क्या किया, इसको प्रेफरेंस दी है। लिल ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैयैन, बेटे के लिए उतना है जितना दो बेटियों के लिए है, यानी बेटियों का तो है ही। इसका मतलब यह था इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। हालांकि देखिए इस्लाम ने फाइनेंशियल बर्डन खवातीन पे नहीं डाला, फाइनेंशियल बर्डन ऑफ अर्निंग एंड स्पॉन्सरिंग द फैमिली, कैटरिंग द नीड्स ऑफ फैमिली, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन एज ऑब्लिगेशन। अगर कोई करना चाहता है दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन ये जिम्मेदारी किस पर डाली है, अल्लाह ने मर्द पर, लेकिन फिर भी इनहेरिटेंस में बेटी को हक दिया है। लायबिलिटी कोई नहीं लेकिन हकूक हैं। यू जस्ट इमेजिन। तो मैं हमेशा कहता हूं इस्लाम हैज नॉट गिवन इक्वालिटी टू विमेन, रादर इट हैज गिवन प्रेफरेंस टू विमेन। इस्लाम ने इनको बजाय मसावात और बराबरी के कहा नहीं 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 नहीं, इनकी तरजीह होगी। लेडीज फर्स्ट का कानून इस्लाम का है, मगरब का नहीं है। तो इंशाल्लाह जी जब हम विमेन राइट्स डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स के अंदर, ये दोबारा आएगा हमारी डिस्कशन में, अभी तो हम सोशल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। सो राइट्स ऑफ योर किड्स के बाद इस्लाम आपको राइट्स ऑफ योर पेरेंट्स की तरफ लाएगा। जी जी, राइट्स ऑफ पेरेंट्स ये बहुत अहम है भाई। इस्लाम इन राइट्स में किड्स के राइट्स के बाद किसके राइट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट्स ऑफ योर पेरेंट्स। सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 23 एंड 24, सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 23 एंड 24, वकदा रब्बो का अल्लाह ताबुदू इल्ला इया वबिल वालिदैन एहसाना। ये वही आयत है जो हमने कल पढ़ी थी वर्शिप को डिस्कस करते हुए, अब आपको याद आ रही है। प्लीज ट्राई टू रिकॉल दीज थिंग्स। जब हम रेफरेंस डिस्कस करते हैं तो एक रेफरेंस कई जगहों पे आता है। एक हिस्सा उस आयत का कल हमने कोट किया था, वकजा रब्बो का अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, योर लॉर्ड हैज डेक्रीड नो वन शुड बी वर्शिप अदर देन अल्लाह सुबहानहू व तआला। आगे क्या कहा, वबिल वालिदैन एहसाना। पहले अपना राइट बयान किया अल्लाह ने कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना, ये अल्लाह का हक है। दूसरे नंबर पे किसका राइट बयान किए, वबिल वालिदैन एहसाना, ट्रीट योर पेरेंट्स ब्यूटीफुली, वालिदैन के साथ खूबसूरती का सलूक करो। यानी अल्लाह ने अपने राइट के साथ एसोसिएटेड राइट्स पेरेंट्स के बयान किए। इससे आप इसकी सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं। बोथ फादर एंड मदर, अलबत्ता इस्लाम में मदर के राइट्स कुछ ज्यादा है। देखिए फिर वही बात आ गई, अल जन्नत तहत अकदाम अल उम्मेहात, जन्नत तो तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे पड़ी है, तुम इसे कहां तलाश करते फिर रहे हो। फुलां बुजुर्ग के पास मैं गया था दुआ करवाने, लोग कहते हैं ना भाई ये बुजुर्ग तो सबसे बड़ा तुम्हारे घर में है, ये दो बुजुर्ग जो तुम्हारे घर में है तुम्हारे फादर और मदर की शक्ल में है ना, इनसे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं है, ये अनपढ़ भी हूं ना, लेबर करने वाले, मजदूरी करने वाले, अलिफ बार भी नहीं जानते, दस्तखत करना भी नहीं जानते, तुम्हारे फादर और मदर ये सबसे बड़े बुजुर्ग हैं तुम्हारे लिए, इनके होते हुए कहां फिर रहे हो तुम। एक दूसरे कहते हैं वो जी दुआओं में याद रखिएगा, भाई जिससे दुआएं लेनी है उसको तो कहो ना कभी, असल तो वो है ना जिसकी दुआ की कबूलियत में देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। कहा बाप की दुआ डायरेक्ट अल्लाह के अर्श तक जाती है, कोई रुकावट नहीं है दरमियान में।
तो मदर के राइट्स ज्यादा क्यों कहे? अल्लाह के रसूल को जब सहाबी ने पूछा कि सबसे ज्यादा हक किसका है मुझ पर, आपने फरमाया योर मदर, दूसरी दफा फरमाया योर मदर, तीसरी मरतबा फरमाया योर मदर, चौथी मरतबा पूछने पर कहा योर फादर। इसे क्या माना है कि मां का हक भी कुछ ज्यादा है बाप से, बट इट डजंट मीन कि मां पानी मांगे तो पहली दफा पिला दो, बाप चौथी मरतबा मांगे तो फिर पिलाओ, क्योंकि चौथे नंबर पे उसका हक आया है ना। अल्लाह के नबी ने तीन मरतबा तो मां का जिक्र किया, ये मतलब नहीं है इसका। हम सारे मुफ्ती भी तो है ना, फिर अपने अपने मतलब ले लेते हैं ना, यूं नहीं लेना मतलब। इसका माना ये है कि मां का हक बाप से कुछ ज्यादा है, बिकॉज शी टेक्स पेन इन योर ब्रॉटर, फिजिकल पेन लेती है वो, लेबोरियस प्रोसेस में से गुजरती है मां, जिसका तसव्वुर करके भी आदमी कांप जाता है। अल्लाह ने इसको बयान किया है कुरान मजीद में। अलबत्ता जब हक बयान किए तो इन्हीं आयात में सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 23 और 24, फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ तक न कहो। उफ से छोटा लफ्ज अरबी में कोई नहीं। कुरान ने वो लफ्ज कहा कि उन्हें उफ भी ना कहो। अब उफ का मतलब ये नहीं है कि जुबान से सिर्फ उफ नहीं कहना, बाकी जो दिल चाहे कहते रहो, ये मीनिंग भी नहीं है कि मैंने उफ तो नहीं कहना। कुरान ने तो कहा उफ नहीं कहना, बाकी जो मर्जी को। नो, ये जो हम कहते हैं ना, मां अगर बेटी से कहे कि बेटा जरा किचन में ये कर दो, और वो आगे से यूं कहे या यूं शोल्डर श्रग कर दे, ये वही उफ वाली बात है। ये यू आर सेइंग उफ थ्रू योर बॉडी जेस्चर, ये बॉडी जेस्चर से भी ना आए। तो बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है, राइट्स ऑफ योर पेरेंट्स, देन राइट्स ऑफ योर रिलेटिव्स, योर किनशिप्स, बोथ फ्रॉम पैटर्नल एंड मैटर्नल साइड। चाहे दधियाली रिश्तेदार हूं या ननिहाली, रिश्तेदारों के हकूक बहुत अहम हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज हाइलाइटेड द राइट्स ऑफ योर रिलेटिव इन सूरह निसा वर्स नंबर 36। सूरह निसा वर्स नंबर 36, तुम्हारे रिश्तेदार अकरबून, अकरबीन, कुरान मजीद में लफ्ज बार बार आए। भाई देखिए, दो लफ्ज ज़हन में रखिएगा, इस्लाम सिला रहमी सिखाता है। सिला रहमी क्या होता है? टू कनेक्ट द रिलेशन, रिश्ते को जोड़ना सिला रहमी है, चाहे वो पैटर्नल साइड से है या मैटर्नल साइड से। किसी की ज्यादती को आप सारी जिंदगी जेहन में रखें कि हमारे फुलां कजन ने तो ये किया था, दिस इज कता रहमी। कता रहमी को इस्लाम डिस्करेज करता है, कता रहमी, टू डिसकनेक्ट एंड ब्रेक द रिलेशन, ताल्लुक को तोड़ना। कता रहमी इज कंडेम्ड इन इस्लाम, बल्कि यहां तक कहा कि कता रहमी करने वाले की बख्शिश लैलतुल कद्र में भी नहीं होती। जस्ट इमेजिन, लैलतुल कद्र में भी इसकी बख्शिश नहीं होगी। इसने ताल्लुक को क्यों तोड़ा है? ये रिश्तेदारों के हकूक है, ब्लड रिलेशन, करीब का रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, इट मेक्स नो डिफरेंस। हाँ, तो वो अगर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कजन थे, हजरत मिस्ताह, सैयदा आयशा सिद्दीका पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी, सूरह नूर के अंदर ये वाकया जिक्र है, तो ये जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कजन थे ना, ये भी उसमें शामिल हो गए, बेचारे ट्रैप हो गए, मुसलमान थे, पक्के मोमिन थे, इन्होंने भी जुबान से उस बात को कहना शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इनकी माली मदद किया करते थे, फाइनेंशियल हेल्प दिया करते थे, ये फाइनेंशियली वीक थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, जाहिर है, और उन्होंने कसम खा ली
कि अब मैं इसकी फाइनेंशियल हेल्प आइंदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल कर दी और अल्लाह के नबी ने बुलाया हज़रत अबू बकर को और कहा कि तुमने क्या कसम खाई। खाजी वो इस तरह से कहा, अल्लाह ये कह रहे हैं कि तुम्हें सिला अल्लाह से लेना है या इनसे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कसम तोड़ी, कसम का कफारा अदा किया और उसकी माली मदद उसी तरह जारी रखी जैसे पहले किया करते थे, बल्कि मैंने पढ़ा कि उसको बढ़ा दिया पहले से। सिला रहमी, सिला रहमी बहुत जरूरी है। सो राइट्स ऑफ योर रिलेटिव्स, आफ्टर दैट कुरान हैज हाइलाइटेड द राइट्स ऑफ योर नेबर्स। नेबर इसी आयत में सूरह निसा वर्स नंबर 36 में आगे आपके रिश्तेदारों के साथ किसके राइट्स हैं, योर नेबर्स, इसी वर्स में। एंड द प्रॉफिट सेड जिब्राइल लेड सो मच स्ट्रेस ऑन द राइट्स ऑफ नेबर्स, आई वॉज फियरिंग that they will get the right of inheritance in our property even. कि मुझे ऐसे लगा शायद ये हमारी विरासत में भी हिस्सा लेंगे। है नहीं विरासत में हिस्सा, लेकिन अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि इस कदर अहम और सिग्निफिकेंट है rights of your neighbors. And the concept of neighborhood in Islam is up to 40 houses. 40 घरों तक neighborhood का तस्वीर है, इधर इधर पीछे आगे 40 घर आपके नेबर हुए, इनको तकलीफ ना पहुंचाओ, इनके हकूक का ख्याल। देखिए अगर इस्लाम के इस एक उसूल को फॉलो कर लिया जाए कितनी खूबसूरत सोसाइटी बन जाएगी, कि मैं अपने से आगे 40 घरों का ख्याल रखूं, मेरे से आगे हर आदमी अपने से आगे 40 घरों का। ये एक ऐसा सिलसिला है, ये एक सीरीज है जो कहीं खत्म नहीं होगी सोसाइटी में। कितना खूबसूरत मुआशरा होगा, कितना खूबसूरत मुआशरा होगा सिर्फ एक नेबरहुड के अगर हकूक का ख्याल रख लिया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर एंड कास्ट एंड रिलीजन। पर हमसाया चाहे नॉन मुस्लिम भी है ना, राइट्स उसके भी हैं भाई। ये नहीं है कि नॉन मुस्लिम है तो उसके साथ जो मर्जी सलूक करो, नो। सो अपने घर की दीवार इतनी ऊंची ना करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस तुम्हारे हमसाया की हवा और रोशनी रुक जाए। खाना पकाते हो तो थोड़ा सा उसकी तरफ भी कुछ भेज दो, खुशबू जाएगी तुम्हारे खाने की उसके घर में, तो हो सकता है वो ना पका सकते हो। फ्रूट लाओ तो छुपा कर लाओ या फिर उनके घर भी भेजो कि उनके बच्चे देखकर ललचाएं नहीं। जस्ट इमेजिन कितना खूबसूरत सोशल सिस्टम इस्लाम देता है। अगर उसको खुशी मिले तुम्हारे हमसाय को तो उसे मुबारक दो, अगर कोई तकलीफ में हो तो उससे इजहार हमदर्दी करो, उसको कर्ज चाहिए हो तो कर्ज दो, मुसलमान है बीमार है तो इयादत करो, फौत हो जाए तो उसके जनाजे में जाओ। ये राइट्स ऑफ योर नेबर्स। तो हमें तो पता ही नहीं होता हमारे पड़ोस में रहता कौन। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा सोशल सिस्टम टूट फूट और डीजनरेशन का शिकार है। There is a lot of degeneration in our social system. Then comes the rights of minorities in Islam. Rights of guests, mehmanon ke huquq, muashre mein rehne wale minorities ke huquq. Agar aapke ghar mein koi guest aata hai, there is concept of hospitality for guest for 3 days. 3 दिन तक मेहमान नवाजी का तसव्वुर इस्लाम में एग्जिस्ट करता है कि द वन हु हैज बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट ही मस्ट ऑनर हिज गेस्ट। जो आखिरत पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की तकरीम करे, इज्जत दे उसको, हॉस्पिटैलिटी के साथ पेश आए। 3 दिन से ज्यादा रहता है वो आपकी तरफ तो हॉस्पिटैलिटी का रिवार्ड भी मिलेगा, एंड यू विल रिसीव द एडिशनल रिवार्ड ऑफ सदका। मेहमान नवाजी का तो आपको रिवार्ड मिल ही रहा था, लेकिन अब 3 दिन से ज्यादा गुजर गए तो अब आपको सदके का एडिशनल अजर भी मिलेगा। तो खत्म होता जा रहा है मेहमान नवाजी का कॉन्सेप्ट भी। इसी तरह से मैंने आपको कहा राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हैं कि उनको अगर कोई माइनॉरिटी का मेंबर
रहता है मुआशरे में तो उसके साथ जुल्म ज्यादती नहीं होगी। अगर कोई करता है, द प्रॉफिट सेड इफ अ पर्सन फ्रॉम माइनॉरिटीज ही लॉन्च्ड एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अ बिलीवर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन अल्लाह के यहां तो फिर एक एक चीज होगी ना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर दुनिया में ऐसा किसी ने किया होगा और आखिरत में उसने कंप्लेंट कर दी अल्लाह के यहां नॉन मुस्लिम ने, एंड इफ द कंप्लेंट इज फाउंड टू बी वैलिड, आई विल एकॉम्पनी दैट नॉन बिलीवर अगेंस्ट द बिलीवर, मैं उसका साथ दूंगा अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस मुस्लिम के अगेंस्ट। जस्ट इमेजिन, ये इस्लाम का आइडियल सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप अपने मुआशरे में देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, ये हमारी बदकिस्मती है, बिकॉज वी लिव इन मुस्लिम सोसाइटी नॉट इस्लामिक सोसाइटी। यू गॉट माई पॉइंट? हम मुसलमानों के मुआशरे में तो रह रहे हैं, हाजियों का मुआशरा है, नमाजियों का मुआशरा है, रोजादारों का मुआशरा है, लेकिन इस्लामी मुआशरा हमें तो मिला ही नहीं। हमने बनाया कब है? हमने कब बनाया? क्या ये इस्लामी मुआशरे में होता है जो ये आपके मोटरवे पे वाकया हुआ है? इज इट एक्सपेक्टेड इन इस्लामिक सोसाइटी? मेरा रोने को दिल चाहता है इस वाक्य को रिकॉल करके, मैं आपको कह रहा हूं। मैं अंदर से इतना टूट फूट का शिकार हूं जब से ये मैंने पढ़ा है वाक्या। यू कैन नॉट इमेजिन, मैं इस मुआशरे का इंसान हूं जहां दरिंदगी इस पीक पे है। ये तो अपने आप को इंसान कहते हुए खौफ आ रहा है, घिन आ रही है, नफरत पैदा हो रही है। ये मुआशरा है? ये इस्लामी मुआशरा तो क्या होगा, ये तो इंसानी मुआशरा भी नहीं है, इनह्यूमन। ब्रूटैलिटी, बेटा आप जिस चीज को मर्जी आप चीखते रहें, मसला तो हमारी इस मुआशरे का है ना। ये CCPO और ये सब भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना, बदनसीबी तो ये है। हम इस्लामिक सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप। सो इन इस्लामिक सोसाइटी देयर आर राइट्स ऑफ एनिमल्स इवन, जस्ट इमेजिन। इस्लामी मुआशरे में जानवरों के हकूक हुआ करते हैं, आप जानवरों के साथ भी इनह्यूमन स्लूक नहीं कर सकते इस सेंस में कि जो हलाल एनिमल्स हैं जिनकी हंटिंग और शिकार यू आर अलाउड, लेकिन उस लिमिट तक जितने आपको गोश्त की जरूरत होगी उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। क्या आप एयर गन उठाएं और चिड़ियों को मारना शुरू कर दें? इसका इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता, बल्कि आपको हैरत होगी। इन ब्रीडिंग सीजन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स यू आर नॉट सपोज टू गो फॉर हंटिंग इवन। जो इनके अंडे और बच्चे देने का मौसम होता है परिंदों और जानवरों के, उस मौसम में आपको हंटिंग भी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम की टीचिंग ये है।
योर पेट एनिमल्स, आपने घर में पैरट्स रखे हुए हैं, कोई कैट है, उसको सर्दी गर्मी से बचाना, उसकी भूख प्यास का ख्याल रखना, दिस इज योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी. एंड इफ यू इग्नोर, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट. अल्लाह के रसूल ने एग्जाम्पल देकर इसको बयान किया. फरमाया कि उस औरत को मैंने जहन्नम में देखा मेराज की रात, जिसने एक बिल्ली पर जुल्म किया था. पेट कैट थी उसकी, उसको बांध दिया, पानी और खाना उसको वक्त पर नहीं दिया, जिससे वो बिल्ली मर गई. तो आपने बताया उसकी वजह से उसकी अकाउंटेबिलिटी हो गई और वो जहन्नम में चली गई. ये अल्लाह के रसूल ने मिसाल कोट की और फरमाया उस प्रोस्टिट्यूट को भी मैंने देखा जन्नत में, जिसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था. दीज आर द राइट्स ऑफ एनिमल्स इन इस्लामिक सोसाइटी. हम कहां रह रहे हैं? जंगल के मुआशरे में रह रहे हैं, शायद हम तो उससे भी बदतर मुआशरे में रह रहे हैं. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको राइट्स और ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिखना आना चाहिए. एक अहम चीज जो इस्लामिक सोसाइटी में है, जो मिसिंग है, इसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं, दैट इज अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर. अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, टू एडवाइज फॉर द गुड एंड टू फॉरबिड फॉर द बैड. अच्छी चीज के लिए एडवाइस करना दूसरे को विजडम के साथ, और बुरी चीज से रोकना. दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मुस्लिम इन इस्लामिक सोसाइटी. ये भी सबूर खत्म हो गया. अब आप किसी को समझाने की कोशिश कीजिए तो वो आपको जवाब देगा, जी मैं जानता हूं, जी मुझे पता है, मैं आपसे बेहतर जानता हूं, मैंने इसमें एमफिल किया हुआ है. अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर. यूज ऑफ नारकोटिक्स इज टोटली कंडेम्ड इन इस्लामिक सोसाइटी, टोटली बैंड, सैंक्शन फुली यूज ऑफ नारकोटिक्स, वनशियात का इस्तेमाल इस्लामिक सोसाइटी में इसका कोई तसव्वुर नहीं है. देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन इस्लामिक सोसाइटी. ये फलां रेस से ताल्लुक रखता है, फलां खानदान से है, ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, ये इस्लामिक सोसाइटी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. इस्लाम के मुआशरे में कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई फ्यूडल लॉर्ड, कोई कैपिटलिस्ट सरमायादार किसी को अपना गुलाम नहीं रख सकता. पीपल आर फ्री, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न एज फ्री. नो वन हैज गिवन यू दिस अथॉरिटी टू कीप द पीपल यूर स्लेव्स. ये भी है हमारे यहां, अभी भी है. जाइए इंटीरियर सिंध के अंदर, आपको नजर आएगा. हमारे जो ये ट्राइबल एरियाज हैं वहां नजर आएगा. इवन सेटल्ड एरियाज ऑफ पंजाब में आपको ये मिलता है, फ्यूडल लॉर्ड्स में. एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन मुजारे है और वो उनके गुलाम चली आ रही है. यहां तक कि एक निकाह के दौरान, एक मुजारे का निकाह हो रहा है, जब मौलवी साहब ने उससे पूछा कि मैंने फुला की बेटी आपको इतने हक मेहर में ये आपके निकाह में दी, क्या आपने कबूल किया? तो उसने कहा जैसे सरदार साहब कहे, जैसे सरदार साहब कहे. ये रियल बता रहा हूं आपको. पता नहीं हम कहां, हम तो एक आइडियल इस्लामिक सोसाइटी की बातें कर रहे हैं और हम जहां रह रहे हैं, अब देखिए कोई, देर इज नो कंपैरिजन, देर इज नो मैच. हम तो बहुत दूर चले गए.
बहुत दूर चले गए भाई। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर सोशल इविल्स को इस्लाम रोकता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इविल्स। कुरान ने इन सोशल इविल्स को हाईलाइट किया है सूरह हुजरात वर्स नंबर 6-18। सूरह हुजरात की वर्स नंबर 6-18 तक इसमें उन मुआशरती खराबियों को इस्लाम ने पॉइंट आउट किया है। ये ना करो, ये ना करो, गीबत ना करो, किसी को बुरे नामों से मत पुकारो, बदगुमानी ना करो। ये कहां पे है? सूरह हुजरात वर्स नंबर 6-18। इसको अब आपने खोल के देखना है, प्लीज इनका तज़किरा कर देना है कि दीज सोशल इविल्स आर कंडेम्ड इन इस्लामिक सोशल सिस्टम। थोड़ा थोड़ा इनको मेंशन कर देंगे, रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, सूरह हुजरात वर्स नंबर 6-18। फिर इस्लाम कुछ खूबियां देखना चाहता है इस्लामिक सोसाइटी में रहने वालों में, एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन डिस्कस्ड इन सूरह फुरकान वर्स नंबर 63-77। वर्स नंबर 63-77 के इस्लामिक सोसाइटी में रहने वालों में ये खूबियां भी होती हैं। अब इसको भी आपने खोल के देखना है, प्लीज इसको भी इसमें शामिल करेंगे आप, ये आपके रेफरेंसेस हैं जी। और मैंने आपको ये जो कुछ बताया है इसके कुछ रेफरेंसेस नोट कर लें प्लीज। ये तो आप देखेंगे जो मैंने आपको अभी नोट करवाया है सूरह हुजरात और सूरह फुरकान, इसके अलावा कुछ रेफरेंसेस नोट कर लें। सूरह बकरा वर्स नंबर 187, सूरह बकरा वर्स नंबर 187, देन सूरह रोम वर्स नंबर 21, सूरह रोम वर्स नंबर 21। काइंडली रिपीट लास्ट रेफरेंस। जी बेटा उसामा ने पूछा है, मैंने बताया है सूरह फुरकान वर्स नंबर 63-77। सूरह फुरकान 18वें और 19वें पारे में है, ये 19वें पारे के स्टार्ट में ये आयात होंगी 63-77 सूरह फुरकान। और सूरह हुजरात 26वें पारे में है, उसकी वर्स नंबर 6-18 जी। सूरह रोम वर्स नंबर 21, देन सूरह निसा वर्स नंबर 7, सूरह निसा वर्स नंबर 7, सूरह निसा वर्स नंबर 11, सूरह निसा वर्स नंबर 11, सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 70, सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 70 जी। और जहां आपने वो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर लिखा था, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, उसके साथ आप रेफरेंस ऐड कर लें सूरह आले इमरान वर्स नंबर 110, सूरह आले इमरान वर्स नंबर 110 जी। अच्छा, अब यहीं से आपका, मैंने कहा था कि कल्चर डेवलप होता है, सिविलाइजेशन आपकी बनती है यहीं से जी। जी इसको अल इसरा भी कहते हैं, सूरह बनी इसराइल को। ठीक कहा है बेटा आपने, दोनों तरह से ठीक है जी। सो कल्चर आपका जो डेवलप होता है वो दरअसल यहीं से होता है। और ये कल्चर क्या होता है? दे आर द सोशल नॉर्म्स, बेसिक फाउंडिंग वैल्यूज, बिलीफ्स एंड सोशल नॉर्म्स, दे आर कॉल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसके लिए इंग्लिश में सिविक, सिटी, सिविलाइजेशन, ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अरबी में मदनियत और हजारत का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मदनियत, हजारत। उर्दू में तहजीब, यही लफ्ज असल में अरबी के हैं, तमद्दुन, सकाफत। इंग्लिश में सिविल, सिविक, कल्चर,
सिविलाइजेशन ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, और ये दरअसल क्या है, फाउंडिंग वैल्यूज, बेसिक फाउंडिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स इंक्लूडिंग योर सोशल नॉर्म्स, ये दरअसल क्या कहलाते हैं, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और तहजीब का जो लफ्ज है बेसिकली अरेबिक के लफ्ज हाजा बा से है, जिसके मानी होते हैं किसी चीज को खूबसूरत बनाना, हा जाल बा, ये इसका रूट है। इसका मतलब होता है टू ब्यूटीफाई, किसी चीज की ट्रिमिंग करना, उसको खूबसूरत बनाना। जैसे आप दरख्तों की तराश खराश करते हैं तो वो खूबसूरत हो जाते हैं, इसको तहजीब कहते हैं। सोसाइटी को खूबसूरत बनाने के जो सोशल नॉर्म्स हैं, उन सोशल नॉर्म्स का नाम है तहजीब। मुख्तलिफ मुआशरों में मुख्तलिफ तहजीबें रही हैं। यस, तहजीब उर्दू में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैंने लिखे है ना लफ्ज़ बेटा, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, ये सब उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका असल रूट क्या है, अरेबिक है। सो ये असल में यहीं से बन रहा है। इस्लाम की जो तहजीब है ये बनती है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसे कहते हैं, अनासर तरकीबी, किन चीजों से इस्लाम का कल्चर बनता है। बेसिकली ये वही हैं जो आपके फंडामेंटल बिलीफ्स थे, वहीं से डेवलप होती है ये तहजीब। और वो कौन कौन से थे, तौहीद, रिसालत, आखिरत, यही थे ना हमारे फंडामेंटल बिलीफ्स, बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिलीफ इन प्रॉफिटहुड एंड बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट। इस्लाम का कल्चर इन्हीं से बनता है। देखिए, जिस मुआशरे में आप रोजाना अल्लाह अकबर की आवाज सुनते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज सुनते हो, तो आपके जहन में क्या आएगा, यहां की तहजीब कौन सी है, तौहीद की तहजीब है, यहां के मानने वाले तौहीद के फॉलोअर्स हैं, फौरन कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर आप किसी मुआशरे में जाएं, चौकों चौराहों में बुत रखे हुए हों और दुकानों पे बुत बिक रहे हों, तो उसके आपको क्या तसव्वुर आएगा, यहां का मुआशरा, इसकी तहजीब क्या होगी, तौहीद की तहजीब नहीं है। इसका मतलब ये है, सो तौहीद इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सिविलाइजेशन, जहां लोग ये कहते हो कि इस काम में मेरे नबी का तरीका क्या है। अब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इसमें हमें यह सिखाया है। अभी हम कह रहे थे कि बच्चे का अकीका किया जाए, सातवें दिन उसको नाम दिया जाए, किसने कहा, अल्लाह के रसूल ने। जहां लोग हर चीज को इससे एसोसिएट कर रहे हो, वहां से अकीदा रिसालत प्रोमिनेंट हो रहा होता है, तो इस कल्चर को क्या कहेंगे, ये इस्लामिक कल्चर है। जहां लोग घर बनाते हुए ये सोचते हो कि इसका मेन दरवाजा इतना चौड़ा हो कि इसमें से चारपाई गुजर सके, और चारपाई गुजर सके का क्या मतलब है, जनाजा गुजर सके। यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस फॉर लिविंग पर्पस, लेकिन आपके जेहन में ख्याल क्या है कि वी हैव टू लीव, दिस इज नॉट अवर डेस्टिनेशन, वी आर इन अ ट्रांजिट फेज एंड वी हैव टू लीव। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि इसमें से जनाजा गुजर सके, दरवाजा इतना चौड़ा हो कि उसमें से चारपाई गुजर सके। आखरत का बिलीफ आपके कल्चर से नजर आ रहा है। घर में आप जाइए तो आपके बेडरूम में जो बेड रखा हुआ है उसके पांव वाला हिस्सा किस तरफ होता है, बैतुल्लाह की किबला की तरफ होता है, नहीं, इस्लामिक कल्चर नजर आ रहा है कि मुसलमान अपने पांव इस तरफ करके नहीं सोते। वॉशरूम बनाते हुए आप कहते हैं कि डब्ल्यूसी या कमोड लगाते हुए इसका रुख किबला की तरफ ना हो, यह आपका कल्चर है। जब आप मुआशरे में चलते फिरते एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, यह आपका कल्चर है। आपके एक एक अंदाज से जो चीज छलकती है, रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड योर सोशल कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आप जब लिबास पहनते हैं
तो आप कहते हैं कि ऐसा लिबास हो जो सत्र को कवर करता हो, सत्र को। देखा ये क्या चीज है, ये आपका कल्चर है। कल हमने पढ़ा था ना, सत्र का कवर करना मैंडेटरी है नमाज में, याद है ना। द नेसेसरी बॉडी ऑर्गन्स यू हैव टू कवर ऑल द टाइम, दैट इज कॉल्ड सत्र। अगर कोई नौजवान इतना छोटा नीकर पहन के फिर रहा हो जो घुटनों से नीचे की बजाय ऊपर हो, तो उसको मायूब समझा जाता है कि ये क्या कर रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये आपका कल्चर है भाई, ये आपका कल्चर है। तो लोग जहां खाते हुए पीते हुए सबसे पहले एक चीज कंसीडर करते हो कि ये हलाल है कि नहीं, ये आपका कल्चर है, ये आपकी सिविलाइजेशन है। और जो इस्लाम ने आपको कल्चर सिखाया, दैट इज वही बेस्ड कल्चर, रेवलेशन बेस्ड कल्चर है। ये इंसान खुद नहीं बनाते, ये कल्चर किसकी तरफ से आ रहा है, थ्रू द टीचिंग, डिवाइन टीचिंग आ रहा है। जबकि वेस्टर्न कल्चर दैट इज डिजायर बेस्ड कल्चर, वो ख्वाहिशात पर मबनी कल्चर है, जिसको लोग अच्छा समझे वो मुआशरे में डेवलप हो जाएगा। हमारे यहां यू नहीं है। एक छोटा सा चंक है हमारे मुआशरे में जो कहता है कि जी वैलेंटाइन डे भी मनाया जाए, तो क्या हमने बतौर मुसलमान कभी उसको एक्सेप्ट किया? हत्ता के उसमें पार्टिसिपेट करने वाला नौजवान भी कहता है ये हमारा कल्चर तो नहीं, दिस इज नॉट आवर कल्चर। क्यों? आवर कल्चर इज हया बेस्ड कल्चर। हमारे कल्चर में मॉडेस्टी है, हया है, शर्म है, बेहयाई नहीं है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? और अभी तो हमारे हाल पे अल्लाह रहम फरमाए, अगर मैं आज से 25-30 साल पीछे जाऊं तो आई वुड लाइक टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन। खवातीन से रिलेटेड जो चीजें मार्केट में बिकती हैं, जो टिपिकल खवातीन से रिलेटेड है, वो डिस्प्ले नहीं की जाती थी स्टोर के ऊपर, उनको डिस्प्ले नहीं किया जाता। दिस इज अगेंस्ट मॉडेस्टी। हमारी वो बच्चियां जिनकी वो नीड होती थी, वो खरीद कर तो लाती थी लेकिन वो उसको शो नहीं करती थी कि इसमें क्या है। भी मैं पता नहीं कौन सी बातें आपको बता रहा हूं, किस जमाने की, किस सर तो पता नहीं किस जमाने के हैं, बिफोर क्राइस्ट बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। कल्चर को समझाने हिजाब आपका कल्चर है भाई, हिजाब मॉडेस्टी की एक अलामत। इसको मैं डिस्कस करूंगा, हमारा अलग टॉपिक है इंशाल्लाह, ये पूरा टॉपिक है हमारा हिजाब, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं सीधा सीधा पॉइंट्स कि इस्लामिक कल्चर में क्या होता है। इक्वालिटी, ह्यूमन इक्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इस्लामिक कल्चर, इंसानों के बराबरी का तसव्वुर, ह्यूमन राइट्स में, बेसिक राइट्स में तमाम इंसान बराबर है। जिंदा रहने का हक मुस्लिम को भी, नॉन मुस्लिम को भी, खाने पीने का हक मुस्लिम को भी, नॉन मुस्लिम को भी, इंसाफ का हक मुस्लिम को भी, नॉन मुस्लिम को भी, घर बनाने का हक मुस्लिम को भी, नॉन मुस्लिम को भी, लिबास पहनने का हक मुस्लिम को भी, नॉन मुस्लिम, बेसिक ह्यूमन राइट्स में इंसान बराबर होते। इस्लामिक कल्चर गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ब्रदरहुड, ह्यूमन ब्रदरहुड, इंसानी अखुवत। आदम की औलाद तो सब है ना, कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है, इस हवाले से तो वो हमारे भाई हैं। हाँ, इस्लामिक ब्रदरहुड में आ जाएं तो क्या ही बात है, और ज्यादा रिलेशनशिप क्लोज हो जाएगा। लेकिन इंसान तो है ना, अगर किसी नॉन मुस्लिम का बच्चा आग में गिर रहा हो तो क्या आप उसे जाने देंगे? ये तो इंसान, तो ये तो क्रिश्चियन का बच्चा है, जाने दो आग में, कभी भी नहीं करेंगे आप, नेवर।
ये ह्यूमन ब्रदरहुड है भाई, आपकी इंस्टिंक्ट में पड़ी हुई है, ये इस्लामिक कल्चर आपको देता है। अल्लाह के रसूल के पास जंग के दौरान जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे ना लाए गए, आपको पता चला एक औरत है इसमें और वो आ रही है तो उसके सर पर चादर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर दी सहाबा को कि जाओ उस खातून को दे दो। तो सहाबा ने कहा जी वो तो एक काफिर की बेटी है, काफिरा है। तो आपने फरमाया फिर क्या हुआ, है तो बेटी। है तो बेटी, अपनी हो या काफिर की हो। दिस इज इस्लामिक कल्चर, दिस इज इस्लामिक कल्चर। इस्लामिक कल्चर में किसी की तजलील और इंसल्ट नहीं होती भाई। ये खूबियां इस्लाम के कल्चर की हैं, सादगी, सिंप्लिसिटी एंड ऑस्टेरिटी इस्लामिक कल्चर की खूबी है। मैंने कहा कि इस्लामिक कल्चर वही बेस्ड कल्चर है, तौहीद का कॉन्सेप्ट होगा, ख्वाहिशात पे मबनी कल्चर नहीं है ये। मगरबी तहजीब ये डिजायर बेस्ड कल्चर, जिसको लोग अच्छा समझे वही कल्चर है, वो कानून बन जाता है। इवन इस्लाम में ऐसा नहीं है कि लोग एक चीज को अच्छा समझे तो वही इस्लाम है। नो, दैट इज रेवल्यूशन बेस्ड। उनके यहां होमोसेक्सुअलिटी को लॉफुल करार दे दिया गया बिकॉज द पीपल लाइक्ड। यहां अगर लोग खुदा ना खास्ता पसंद भी करें तो ये कानून नहीं बनेगा, ये डिजायर बेस्ड कल्चर है नहीं। हलाल और हराम क्या, जो आपको पसंद है वो हलाल है, जो आपको पसंद नहीं वो हराम है। इस्लाम में ऐसे नहीं है। आपको पसंद है या नहीं, हलाल ही को हलाल कहेंगे, हराम को हलाल कहेंगे। मेजॉरिटी की वजह से आप इस्लाम के कानून नहीं बदलेंगे। इस्लाम का कल्चर शर्म व हया का कल्चर, इस्लाम का कल्चर इंसानी ख्वाहिशात का कल्चर नहीं है। इंसानी ख्वाहिशात इस कल्चर की ताबे हैं। देखिए, आप अगर ये समझते हो कि शायद वो कल्चर आ जाए तो हम तरक्की करेंगे। तीन स्कूल ऑफ थॉट हमारे यहां पाए जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि वेस्टर्न कल्चर अपना लो, ऑन द होल इफ यू लाइक टू हैव प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट इन योर सोसाइटी तो उस कल्चर को एक्सेप्ट करो, वेलकम करो। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है नहीं, पिक एंड चूज, जो अच्छी चीजें हैं उनकी अपनाओ, जो बुरी चीजें हैं वो ना अपनाओ। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट। एंड स्टिल देयर इज अ थर्ड स्कूल ऑफ थॉट इन मुस्लिम्स हु से वी हैव नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर बिकॉज वी हैव आवर ओन कल्चर। हम क्यों कोई चीज एक्सेप्ट करें, हमारा तो अपना इंडिपेंडेंट कल्चर मौजूद है, उसको प्रमोट करें ना कि उधर से एक्सेप्ट करें। इसकी बुनियाद पर उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो मुसलमानों को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ गिरोहों में, और वो कहते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, बल्कि मुसलमान भी तीन चार तरह के हैं। वो कहते हैं अमेरिकन थिंक टैंक्स दे हैव डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड द मुस्लिम, दे से सेकुलराइज्ड मुस्लिम्स। मुसलमानों के कल्चर में एक गिरोह वो है जो सेकुलरिस्ट मुस्लिम्स कहलाते हैं। वो कहते हैं ये ऐसे मुसलमान हैं जो मुसलमानों के घर में पैदा हो गए इसलिए मुसलमान कहलाते हैं, और दे थिंक इस्लाम इज आवर पर्सनल मैटर, इट हैज नथिंग टू डू विद कलेक्टिव लाइफ। वो कहते हैं ये मुसलमान हमारे अपने हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर वेस्टर्न कल्चर को पूरा पूरा इंफोज कर रखा है, इनके घरों में वही कुछ है, इनके बेड पर कुत्ते सोते हैं, शराब पीने को ये बुरा नहीं समझते, बाप और बेटी इकट्ठे बैठ के स्मोकिंग भी कर लेते हैं। ये तो हमारे अपने हैं, दे आर सेकुलरिस्ट मुस्लिम्स।
नंबर टू, मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स, जिद्दत पसंद है ये मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स, ये कहते हैं ठीक है इस्लाम इज ओके बट इट शुड बी री एक्सप्लेन एंड री इंटरप्रेटेड, इसकी तशरीह वैसे करें जैसे आज हम कहते हैं। हां ठीक है उस जमाने में सूद हराम था, लेकिन तो उस जमाने का सूद था, बैंक का सूद तो नहीं था, ये तो हलाल है, इसके बगैर तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ये मॉडर्निस्ट मुस्लिम हैं, वो कहते हैं इनसे भी हमें कोई खतरा नहीं है, दे आर ओके, ये हमारी कल्चर को वेलकम करते हैं। देन देर आर सम मुस्लिम, दे कॉल देम ट्रेडिशनलिस्ट मुस्लिम्स, ट्रेडिशनलिस्ट मुस्लिम्स, रिवायत पसंद मुसलमान, मस्जिदों में बैठे हुए हैं, मदरसों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तस्बीह हम पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ी, फिर इशराक पढ़ी, फिर चाश्त पढ़ी, फिर कुरान की तिलावत पे तिलावत, फिर रोजे नफली, सवाब के लिए इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, बस ये समझते हैं इस्लाम से सवाब मिलता है, सिस्टम को चेंज करने की इनमें कोई बात नहीं है, कहते हैं इनसे भी कोई खतरा नहीं है, और ज्यादा तादाद इन्हीं की है, ट्रेडिशनलिस्ट मुस्लिम की। हां जिनसे हमें इन ट्रू सेंस खतरा है वो हैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स, बुनियाद परस्त मुसलमान, ये कौन है, दे से इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, अ सिस्टम ऑफ लाइफ, इट हैज इट्स ओन इकोनॉमी, ओन गवर्नेंस, ओन सोशल सिस्टम, हैविंग अ कंप्लीट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये है जिनसे खतरा है, इनको नहीं होना चाहिए डोमिनेंट, ये तादाद में कम है। हाँ ये हो सकता है कि अगर ये दो आपस में कभी मिल गए ट्रेडिशनलिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट तो ये हमारे लिए खतरा है, इनको मिलने नहीं देना आपस में, इनमें गैप्स रखो, सेक्टेरियनिज्म डालो इनमें, लड़ाओ इनको, हाथ यहां बांधे कि यहां बांधे, आमीन ऊंचा कहें कि आहिस्ता, तरावी 20 रकात पढ़े कि 8, इनको इस पे लड़ा दो, लड़ते ही रहेंगे। कौन से मुसलमान हो तुम, माशाल्लाह सुन्नी हो, क्योंकि सुन हो गए हो ना, इनको इसमें लगा दो, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है भाई। और जो प्रोफेसर हंटिंगटन ने थीसिस लिखा, प्रोफेसर हंटिंगटन, क्या नाम है उनके थीसिस का, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, एंड रीमेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड, तहजीबों का तसादुम, तहजीबों का तसादुम होने जा रहा है। दो तहजीबों को उसने हाईलाइट किया है, एक इस्लामिक, दूसरी कंफ्यूशियस जैपनीज की। वो कहते हैं ये दो ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जिनकी एसिमिलेशन नहीं है, दे हैव देयर आइडेंटिटी, इनसे हमें खतरा है, अदरवाइज हमें कोई खतरा नहीं है। एंड वी हैव टू मेक आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन डोमिनेंट इन द वर्ल्ड फॉर आवर सर्वाइवल। अगर आप चाहते हैं कि आप ही जिंदा रहें और डोमिनेंट रहें तो फिर अपने कल्चर को डोमिनेंट कीजिए, चुनाचे वेस्टर्न कल्चर को डोमिनेंट करने की ये उनकी एक मूवमेंट है, और वो कल्चर आपके बेडरूम तक दाखिल हो गया है, बेडरूम तक। और मैं यहां एक सख्त जुमला कहने लगा हूं, लिखिए आप इस जुमले को, पेपर में भी लिखिए, वो लिबास जो हमारे बेडरूम में तो यूज हो सकता था, ऐसा स्किन टाइट लिबास पहनकर हमारी बच्चियां घर से बाहर आ जाती, जो अंडर गारमेंट्स कहलाता था किसी जमाने में, वो स्किन टाइट ट्राउजर्स जो हमारी बच्चियां इस्तेमाल करने लग गई, जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो लिबास पहनकर भी कासियातुन आरियातुन, लिबास पहना होगा फिर भी उनका जिस्म नंगा होगा,
देयर बॉडी पार्ट्स विल बी प्रोमिनेंट इन दैट ड्रेस. इसको अल्लाह के रसूल ने नंगा होना कहा. यह उनके कल्चर का हिस्सा था, हमारा कल्चर नहीं था. दिस वॉज नॉट आवर कल्चर. ये वो उनकी तहजीब को डोमिनेंट करने की जो तहरीक है, जिसको उसमें इस थीसिस में उसने डिस्कस किया है, वो इसी का हिस्सा है. एंड दे आर सक्सेसफुल, दे आर सक्सेसफुल. वो आपके दो मुकद्दस शहरों में भी दाखिल हो चुकी है उनके कल्चर, मक्का और मदीना में. ये मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बता रहा हूं. उनके नौजवानों में वो कल्चर आ चुका है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम का कल्चर, शर्म व हया का कल्चर, रेवलेशन बेस्ड कल्चर, हलाल और हराम का फर्क करने वाला कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ये जो मैंने आपको बताया. ये आपसे अगर सवाल यूं पूछा जाए, वो नहीं, बस मैंने आपको इशारा दे दिया, उसकी अब डिस्कशन की जरूरत नहीं है. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मैंने आपको बता दिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना आना चाहिए. इसको आपको लिखने की जरूरत है. इसको आप पढ़िए जाकर बुक से, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, और फिर ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं उनको नोट करें. कुछ रेफरेंसेस नोट कर लें कल्चर के हवाले से, कुछ रेफरेंसेस नोट कर लें. इस्लाम के कल्चर में जो खूबियां हैं वो मैंने आपको बता दी, और ये वही खूबियां हैं जो आप सूरह फुरकान में पढ़ेंगे, और उनको आप डिस्कस करेंगे. सूरह फुरकान वर्स नंबर 43, सूरह फुरकान वर्स नंबर 43, सूरह अनआम वर्स नंबर 121, सूरह अनआम वर्स नंबर 121, सूरह अल माईदा वर्स नंबर 8, सूरह अल माईदा वर्स नंबर 8, सूरह निसा वर्स नंबर 69, सूरह निसा वर्स नंबर 69. तो ये आप उसमें शामिल कर लें, और इसको अब आपने उसमें शामिल करना है और लिखना है. इसको जाकर पढ़िए, अच्छी तरीके से रीडिंग दीजिए इन रेफरेंसेस को शामिल करके. तो गोया कि आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, इस्लाम का सोशल सिस्टम डिस्कस किया और कल्चर एंड सिविलाइजेशन डिस्कस किया. इस पर अलग सवाल भी आता है. मुख्तलिफ तहजीबें रही हैं दुनिया में, रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, पर्शिया की सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन, और उसके अलावा जो हमने असल जिसको हाईलाइट करना है वो कौन सी है, इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन. इसका अगर कंपैरिजन करना पड़ जाए तो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए. तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से ये आपको डिस्कस करना आना चाहिए. भाई हंटिंगटन का ये जो थीसिस है ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा, और उर्दू में भी ट्रांसलेटेड है, इंग्लिश में भी मौजूद है. इसको भी आप थोड़ा सा, इसके पॉइंट्स भी कुछ शामिल कर सकते हैं. कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए. ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने चार बताए, ये रैंड कॉरपोरेशन, RAND, रैंड, ये उसका है, एक थिंक टैंक है अमेरिकन, उनकी ये डिस्कशन है जो मैंने आपको बताई है. सो इसको आपने शामिल करना है, और आपको ये डिस्कशन करनी आनी चाहिए. इज इट क्लियर, ये जो हमने डिस्कशन की, इज इट क्लियर टू ऑल? माशाल्लाह, गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.